हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मम्मी का मैजिक में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी चिल्ला। बहुत टेस्टी बनता है गाइस, मेथी से बना हुआ है। आप एक बार इसे खाएंगे तो मुंह में एक घुल जाएगा। इसका कलर भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मेथी चिल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हम पेस्ट बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्सर जार लिया है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। अब ऐड करूँगी मैं 5 से 6 और हरी मिर्च, इसे मैं तोड़ कर डाल रही हूँ। अब मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जीरा और ये फ्रेश मेथी लिया है मैंने, इसे अच्छे से धो लिया है मैंने साफ करके। ये भी डाल देंगे इसमें मिक्सर जार में। अब हम इसका थिक पेस्ट बना के रेडी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है थिक वाला। अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बॉल लिया है। अब इसमें डालूंगी 1.5 कटोरी चावल का आटा, ये डाल देंगे इसमें। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी मैं और इसमें 1 चम्मच अजवाइन क्रश की हुई और ये हमारा मेथी का पेस्ट जो हमने बनाया था वो डाल देंगे। ये सारा यूज कर रही हूँ मैं पूरा का पूरा। अब सारा मिक्स करके इसका बैटर रेडी करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर रेडी कर लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो लम्स क्रिएट हो जाएंगे और इसे निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। यहाँ पर हमारा सेमी थिक बैटर रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैंने लोखंडी तवा लिया है, इसमें तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है। 1 चम्मच बैटर लेते हुए हम इसे इसमें फैला लेंगे। साइड से पूरा हम चम्मच से इसको फैला लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे ढककर पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम इसे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। साइड से थोड़ा सा तेल डाल देंगे किनारों की ओर से और ये इसके किनारे हम चम्मच की सहायता से खोल देंगे और इसे पलट देंगे। ध्यान से पलटिए, ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बदल चुका है, ऊपर से चिटके आ चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे बन के रेडी कर लेंगे। बन के रेडी हो चुका है हमारा मेथी चिल्ला। बहुत टेस्टी बनता है गाइस ये। आप इसे घर में जरूर ट्राई करें, इसमें सारे फ्लेवर है, ये मुंह में घुल जाता है। बहुत टेस्टी बना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलें। बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।